इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं, जहां इजरायली सेना लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर रही है, वहीं लेबनान का इस्लामिक प्रतिरोध भी लगातार अलग अलग ठिकानों से उत्तरी इसराइल पर आग बरसा रहा है। इजरायली स्ट्राइक में हिजबुल्ला चीफ के मारे जाने के बाद से हिजबुल्ला बुरी तरह बौखला गया है। उसके लड़ाके उत्तरी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक बार फिर हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमलों से इसराइल में तबाही का मंजर देखने को मिला। समूह ने इसराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा और तिबेरियस पर हमला किया है। हिजबुल्ला ने 2 मिसाइलें हाइफा और 5 मिसाइलें तिबेरियस पर दागी। अरब न्यूज एजेंसी अलमायादीन के मुताबिक इसराइली सेना के प्रवक्ता ने माना है कि हाइफा पर टारगेट किसी भी मिसाइल को रोका नहीं जा सका, जिससे एक बार फिर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की सटीकता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद IDF ने इस घटना पर जांच बैठा दी है कि आयरन डोम इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में क्यों फेल हो गया। इस हमले में इस्तेमाल कई मिसाइलों को शहर में इमारतों पर गिरते हुए देखा जा सकता है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर इजरायली शहरों में विस्फोट हुए हैं। इसराइल के अनुसार इन हमलों में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि उसके लड़ाकों ने फादी 1 मिसाइलों की बौछार से हाइफा के दक्षिण में सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। वहीं इजरायली पुलिस ने बताया कि हिजबुल्ला के रॉकेटों ने उत्तरी इजरायली शहर हाइफा और तिबेरियस पर हमला किया। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि हमला स्थानीय समय अनुसार सोमवार आधी रात के तुरंत बाद हुआ। वहीं जवाबी कार्रवाई के रूप में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान और राजधानी बेरूत के इलाकों पर भीषण बमबारी की है। इजरायली मीडिया की माने तो 2 रॉकेट इजरायल के भूमध्य सागरीय तट पर हाइफा में और 5 अन्य 65 किलोमीटर दूर तिबेरियस में गिरे। करीब 1 मिलियन से ऊपर की आबादी वाला हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इजरायली पुलिस ने बताया कि कुछ इमारतों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के मामूली रूप से घायल होने की खबरें हैं। निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों की ओर से लिए गए वीडियोस में रॉकेट गिरने के वीडियोस को साफ देखा जा सकता है। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय से जुड़े कई लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसमें खुफिया जानकारी जुटाने के साधन, कमांड सेंटर और अतिरिक्त बुनियादी ढांचा साइट शामिल हैं। इजरायली सेना के हवाई हमलों ने बेरूत में हिजबुल्ला के हथियार भंडारण सुविधाओं को भी निशाना बनाया। IDF ने कहा कि हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान और बेका इलाके में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें हथियार भंडारण सुविधाएं, बुनियादी ढांचा स्थल, एक कमांड सेंटर और एक लॉन्चर शामिल है। इस दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्ला लड़ाकों पर लेबनानी लोगों को ढाल बनाने का आरोप भी लगाया है। लेबनान में घुसे इजरायली जवानों ने पाया कि आवासीय इमारतों के बीच जानबूझकर लड़ाकों ने कमांड सेंटर और हथियारों का भंडार बनाया है, जिसमें लेबनान की आम जनता का जीवन खतरे में पड़ सकता है। उधर हिजबुल्ला ने कहा कि हाइफा के दक्षिण में कारमेल बेस को निशाना बनाकर फादी 1 टाइप की मिसाइलों की बौछार की गई थी। इस ऑपरेशन की घोषणा प्रतिरोध के खैबर ऑपरेशन सीरीज के हिस्से के रूप में की गई है।